अब तक आपने देखा, बैजू अपनी होशियारी से सृष्टि और उसके परिवार को हर खतरे से सुरक्षित कर रहा है, बल्कि ठग लोगों से बचाना भी हमारा काम है, संपूर्ण सुरक्षा। यहाँ तक कि रात में भी बैजू को सृष्टि की सुरक्षा का उपाय मिल ही जाता है। यहाँ अनुराग के विकराल को चैलेंज देने के बाद अब मैं जबरदस्ती दुल्हन को उठाऊंगा। वो कुछ बॉडीगार्ड बुलवा लेता है। चारों लोग ना, गिद्ध का नजर बना रहेगा इन लोगों का कमरे ऊपर, समझे? ताकि वो रागिनी को किडनैप ना कर सके। उसकी सगाई के दिन अनुराग का इन बॉडीगार्ड के साथ बुरा हाल हो रहा है। अब आगे। ये तुम्हारा बिस्तर है, बिछा लेना इसे। ये हमारे लिए मैडम जी, अब इसका हम क्या करेंगे बोलिए? बिछा के अभी हम सो जाएंगे तो आपका रखवाली कौन करेगा? नहीं नहीं, हम पूरी रात चौकन्ने रहेंगे, जागते रहेंगे ताकि आपकी रखवाली कर पाए अच्छे से। अगर सोओगे नहीं तो दिमाग चौकन्ना कैसे रहेगा? और एक दिन की तो बात है नहीं, हमारी बात मानो, कुछ देर के लिए सो जाओ, फिट रहोगे तो अच्छे से ड्यूटी कर पाओगे। मैडम जी, आप हैं पढ़ी लिखी, कानून की ठेकेदार, जानकार, आपसे दलील में तो हम जीत नहीं पाएंगे ना। ठीक है, जैसा आप बोले, पर हाँ, पहले आप जाके अपने कमरे में सो जाइए आराम से, समझे ना, ताकि हम निश्चिंत होके बड़ा आराम कर लेंगे। ठीक है, ये बिस्तर जाइए। Just move with it. Everybody in the party, just groove with it. If you're feeling this vibe, throw your hands up. If you wanna get down, throw your hands up. One time, let me see you just move with it. Everybody in the party, just groove with it. If you're feeling this vibe, throw your hands up. If you wanna get down, throw your hands up. What? We can be right now, it's time. Say what? You can be my man. जबरदस्ती दूल्हा उठाया था ना, अब मैं जबरदस्ती दुल्हन को उठाऊंगा। अरे यार, जूतों के लेसेस खुले, वो तो बंद करने दो। अरे बांधने दो ना, लेस ही तो बांध रहे हैं, बांधने दो। क्या यार, कुछ नहीं करने देते ना, बाथरूम जाने देते हो ना, जूतों के लेसेस बांधने देते हो ना, खड़े सांस क्यों लेने दे रहे हो? सांस मत लेने दो मुझे, चलो आगे। वो क्या है ना, आपको यहाँ से भगा के जो लेके जाना है, आप भागने में तो फिर स्पोर्ट्स शूज से आसानी होगी ना। ये सब कौन है? ये अनुराग जी के साथ ये सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे आपने एकदम सही कहा, वही तो मैं कब से कह रहा हूँ। देखिए, अगर सिक्योरिटी देनी है तो इन्हें दीजिए ना। अरे इतने बड़े आदमी, इतने बड़े दबंग विकराल सिंह जी का दामाद ये हैं। चार दुश्मनों की नजर हो सकती है आप पर, मुझ पे देने को कोई फायदा नहीं। आप बच्चों आओ, सिक्योरिटी संभालो। कम मिस्टर अनुराग, आपकी ना कोनो चलाकी नहीं चलेगी।
ये सिक्योरिटी आपके लिए है और ये यहीं रहेगी। नहीं 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 नहीं, नहीं। माना कि अब हमारा रिश्ता नहीं रहा, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपना इंसानियत भूल जाएंगे। हाँ, हम आपको जो है कोनो कुर्बानी नहीं देने देंगे बस। अरे लेकिन ऐसे एक मिनट अनुराग, ये क्या चल रहा है? कुर्बानी, इंसानियत? अभिमन्यु जी, हम आपको सब बताते हैं, हम सब बताते हैं, एक मिनट। हाँ, आप तो जानते हैं कि अनुराग जी हमारे भूतपूर्व पति है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो अब आप इस घर में रहते हैं हमारे साथ। हाँ, और कल को अगर आपको थोड़ी सी भी खरोच आ गई तो नाम किसका खराब होगा? पूरी बात तो हमारे पिताजी पे आ जाएंगी ना, हमारे बाबूजी पे। और हम नहीं चाहते कि हमारे बाबूजी पे कोई भी उंगली उठाए। उनको तो सबको ऐसा ही लगेगा कि हम जो है भूतपूर्व पति का शोषण कर रहे हैं। तो आपको तो पता ही है कि हमारे बाबूजी जो है वो अपने दबंग पढ़ने के लिए कितने फेमस हैं। हाँ, उनका नाम खराब नहीं हो जाएगा अगर कोनो गड़बड़ हो गई तो? हम नहीं चाहते हैं कि उनका नाम जो है वो खराब हो। और मिस्टर अनुराग, हम ये सब जो कर रहे हैं ना वो अपने बाबूजी की इज्जत के लिए कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे काम में जो है सहयोग देंगे। देखो क्या है ना अनुराग, अनुराग ये बात तो सही है, इस बात पे पॉइंट है। और वैसे भी शादी से पहले हमें भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, यू नो व्हाट आई मीन। और तुम तो अंकल जी की इतनी इज्जत करते हो, आई होप इतना कोऑपरेट तुम करोगे। जरूर। ठीक है, गुड बाय। गुड बाय। ठीक है, यू द बेस्ट बॉय। थैंक यू सो मच रागिनी जी। आइए पकड़ लीजिए मुझे। रुको, लो पकड़ो, घेरो घेरो, नहीं चेन बना लो, ये लो, बाहर निकलना नहीं चाहिए, पकड़ो अच्छे से, ऊपर बैठ जाओ। एक काम करो, चलो मुझे सुसु आई है, जिप खोलने वाला कोई चाहिए ना, चलो। आई जस्ट फील लाइक अ वीआईपी। इधर वॉशरूम है, बहुत जोर से आई, जल्दी चलो। नहीं मैडम जी, हम जानना चाहते थे कि आप ठीक तो है ना। हम ठीक हैं, हमें क्या होगा? अरे नहीं, हमारा मतलब है कि कोई खतरा तजरा तो नहीं है ना? नहीं तो? नहीं मैडम जी, ऐसा है कि हमको थोड़ा चिंता हो रही थी आपकी, इसीलिए हम सोचा थोड़ा पूछ ले आपसे। मैडम जी आवाज आई हमको, कोई है क्या वहां पे? अरे कुछ नहीं, बुक गिर गई थी। अच्छा तो फिर ठीक। अच्छा मैडम जी, एक आइडिया है हमारे पास। वो आप एक काम करिए कि फोन लाउड स्पीकर में ऑन करके आप सो जाइए। क्या मतलब? मतलब मैडम जी कि अगर आपका फोन लाउड स्पीकर में ऑन रहेगा तो हमको आवाज आता रहेगा यहाँ पे, तो हम सुनते रहेंगे कि यहाँ पे कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हम रखवाली कर पाएंगे अच्छे से आपका, समझे ना? ठीक है। मैडम जी, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है मैडम जी, मैडम जी, नहीं हमको थोड़ा आवाज आया तो हमको लगा कुछ। कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक है, सब ठीक है। ये बैजू भी ना, इसके चक्कर में हमें भी नींद नहीं आ रही। मैडम जी फिर से आवाज आया, कोई आया है क्या? अरे अरे कुछ नहीं, पानी पी रहे थे, ग्लास रखा है, उसकी आवाज है। अच्छा अच्छा है मैडम जी, माफी चाहते, थोड़ा परेशानी कर रहे हैं आपको। कोई बात नहीं, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप सो जाइए आराम से। मैडम जी,
मैडम। मैडम जी, मैडम जी। अब क्या सुनाई दिया तुमको? जब आवाज आती है तब पूछते हो, जब आवाज नहीं आती है तब पूछते हो। मैडम जी, आवाज नहीं आ रहा तो उससे पूछ लिए, कोई आपको कुछ मतलब कोई आके बेहोश कर दिया हो। पता नहीं, आवाज नहीं आ रही थी तो तुम क्या चाहते हो? अरे मैडम जी, ऐसा है कि अभी हम माफी चाहते हैं आपसे, ठीक है? हम परेशान कर रहे हैं आपको। आप एक काम करिए, आप आराम से सो जाइए, यहीं पे बैठ के आराम से चौकन्ना रहेंगे और आपकी रखवाली करेंगे और आराम भी कर लेंगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, हम आराम करने जा रहे हैं, ठीक है? आप सो जाइए आराम से। अरे मेरे भाई, मेरी भी थोड़ी इज्जत है, थोड़ी आंखें उधर घुमा लो। हाँ, कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े तो चेंज करने दो कि उसमें भी टुकुर टुकुर देखोगे। दीदी जी का ऑर्डर है, तुम पे से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटनी चाहिए, यही बदलो। अरे दीदी जी ने बोला, पीछे खिड़की बंद है, वहां दरवाजा बंद है, ऊपर की छत फाड़ के थोड़ी ना उड़ जाऊंगा। दीदी जी ने बोला है तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी तो कॉमन सेंस है, उसको थोड़ा यूज करो, थोड़ा वहां देखो। मुझे कपड़े चेंज करने हैं, कपड़े तो चेंज करने दो प्लीज, तुम्हारी दीदी जी। आपका कोई भरोसा थोड़ी है मिस्टर अनुराग, क्या पता आप जो हैं चिड़िया बन के उड़ जाए या खुशबू बन के फैल जाए। वैसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सब। आज जो है आपको नींद आसानी से तो नहीं आएगी, तो ये हल्दी वाला दूध जो है आपके लिए लाए हैं, सुने ये हल्दी वाला दूध पीने से ना जो नींद है वो फटाक से आ जाती है। आप हमारे लिए दूध लाए हैं, क्या बात है? आप तो प्यार से जहर देंगी ना, तो वो भी पी लेंगे, ये क्या चीज है, लाइए। चीयर्स, थैंक यू सो मच। मजाक कर रहा हूं यार। नाटन के पास गई के नशा, ये प्यार का नशा, ये मेरी बात यार मानो, नशे में दूध यार पी लो, रहो न होश में दीवानो। थैंक यू सो मच। मैं सिमरन, गुड नाइट। बहुत धमकी दे रहे थे ना मिस्टर जी हमें, उठा के ले जाऊंगा, भगा के ले जाऊंगा, और अब कैसे बिल्ली के जैसे मिमिया आ रहे थे। अच्छा है हम इनका इलाज पहले काहे नहीं की, पहले ही कर देना चाहिए था। रागिनी जी संभालिए। ध्यान हमारा, आप इतनी रात में, हमारा मतलब है कि आप कुछ चाहिए क्या आपको? जी, आपका साथ। जी, मेरा मतलब मुझे नींद नहीं आ रही थी, खिड़की खोली तो खूबसूरत सा चांद नजर आया, हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, सोचा क्यों ना थोड़ा वॉक कर लिया जाए, फिर आपका ख्याल आया, सोचा जाकर देखूं, क्या पता आप भी मेरी तरह जाग रही हो। और देखिए, खुशकिस्मती से आप मुझे यहाँ मिल गई। चलिए ना, चांदी रात में थोड़ी बातचीत कर ले। काहे नहीं हुआ। वो सोने जा रहे थे, सुबह भोर में अम्मा जी हमें जगा दी, फिर दिन भर काम, काहे नहीं हुआ। चलिए आप, चलिए आप। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको नींद आ रही है ना, आप जाकर सो जाइए। और रही बातचीत की बात, तो हमारी आने वाली जिंदगी में ऐसी कई चांदनी रातें आएंगी जब हम बात कर सकेंगे, और वैसे भी चंदा मामा भागे थोड़ी जा रहे हैं। ठीक है, शुभ रात्रि। गुड नाइट। रागिनी जी, प्यार हो गया आपसे।
लंच डिनर में क्या हाथी घोड़े खाते हो? 40-40 किलो का एक हाथ हटाऊं कैसे? जब बजरंग बली कमान ऐसे बंदूक कौन लगाता है? गलती से साइड पलटते टाइम चल गई ना तो पूरा खानदान तबाह हो जाएगा। अनुराग बेटा, ये सही मौका है, निकल ले। ओ भाई सो जा, हमें भी सोने दे, भागने का कोई चांस नहीं है। अरे मैं भाग थोड़ी ना रहा था, मैं तो बस ऐसे ही नाइट एक्सरसाइज कर रहा था। अरे चेन बात की कोई सोता है क्या? अरे अरे भाई साहब जरा हाथ तो साइड रखो, बहुत भारी है यार, सांस नहीं लेने होता। एक बात बताओ, चेन बांधने वाला आइडिया तुम्हारी रागिनी मैडम ने दिया था क्या? उन्होंने तो आधे बांधने के लिए बोला था, हमने तो सिर्फ पैर बांधा है। अच्छा, हाथ भी बांधने बोला था, तुमने नहीं बांधा? सो स्वीट ऑफ यू, कितना सोचते हो तुम मेरे बारे में। सो जाओ अभी। हाँ, और कोई ऑप्शन है? बेटा अनुराग, जीतना था मोहब्बत, बनना था सिकंदर, मोहब्बत में समझ के लफंदर, कर दिया एक घर में ही जेल के अंदर, मैं तेल लेने गया सिकंदर। यजमान, एक मिनट पंडित जी, कहां जा रहे हो? रुको, झोला में कहा है? झोला में पूजन सामग्री है बेटा, और क्या हो सकता है? बस ये कहा है, दिखाओ। बेटा संभाल के, इसमें गंगा जल है। अपना झोला भी दिखाओ, तलाशी करेंगे। चलो ये कहा है बताओ? ये शंख है बेटा, भगवान को बहुत प्रिय होता है। तो हमको एक बात बताओ, ये भगवान का सामान तुम्हारे पास क्या कर रहा है? पूजा के काम में आता है बेटा, इसे किसी को खतरा नहीं होता। खतरा नहीं है, सर में मारेंगे तो। बैजू भैया ही ना हमारे खानदानी पुरोहित हैं, प्रणाम पंडित जी, दे दीजिए इनको, नहीं तो बहुत ते पहुंचल आदमी है, कहीं शराब उराब दे दिए ना आपको तो भालू ना तो बंदर बन जाइएगा। अब ऐसा है कि इस घर में तलाशी लेना हमारा काम है सबका, चाहे वो पंडित जी आए चाहे वो सफाई वाला है। एकदम सही कहा, सुरक्षा वही सही होती है जिसमें कोनो चूक ना हो। पंडित जी असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, ये बैजू है, हमने घर की सुरक्षा के लिए आया है। जी हमने आपको बताया था ना अपने घर के संकट के बारे में। हाँ पूजा कर, सब तैयारी हो गया, आप देख लीजिए। आइए पंडित जी। हुआ क्या माँ, चलो हम तुम्हारा मदद कर देते हैं। ये लो बिटवा, ये पहन लो। ये का है? बिटवा आज घर में पूजा है तो तुम ये कपड़ा में बैठोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो पूजा में हम काहे बैठेंगे? घर में रहोगे और पूजा में नहीं बैठोगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ तो ठीक है दादी, हम सॉलिड को बोल के घर से कुछ मंगा लेंगे अपने लिए ना। अरे नहीं बिटवा, अभी समय नहीं बचा है, पूजा शुरू होने वाला है। अरे दादी बात ऐसा है, कपड़ा है किसका? हमारे पोते का है। तुम जाओ ऊपर बैठक वाले बगल में मेहमानों का कमरा है, उनमें साबुन वगैरह सब सामान रखवा दिया है, जल्दी से स्नान करके ये कपड़ा पहन लो। दिव्या वो दिव्या? हाँ भाभी। दिव्या वो हमारे बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, शायद टैप खराब हो गया है, हम तुम्हारा बाथरूम यूज कर लें प्लीज, वो पंडित जी आ गए हैं, पूजा का समय होने वाला है। भाभी मुझे टाइम जाएगा। ज्यादा टाइम जाएगा क्या? हाँ भाभी। अरे भाभी आप गेस्ट रूम में चले जाइए ना, वहाँ कोई नहीं जाता है।
ठीक है, तुम जल्दी तैयार होके बाहर आ जाओ।